हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रैबिट्स किचन। हियर इज पंकज सलाथिया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर पे हम वाइट सॉस पास्ता कैसे बनाएं। बहुत ही आसान है, आप भी ट्राई करना। मैं हर डिश तो पहली बार बनाता ही हूँ, मगर मैंने वाइट सॉस पास्ता भी पहली बार खाया और अभी मैं बार बार खाने वाला हूँ, इतना टेस्टी बना था। सबसे पहले मैं गर्म पानी में एक ढक्कन ऑयल डालूंगा, नमक डालूंगा, अच्छे से मिक्स करके उसमें मैं पास्ता डाल दूंगा उबलते हुए पानी में, और पकने पे उसको बाहर निकाल दूंगा। एक पैन में मैं ऑयल गरम करूंगा, उसमें मैं गार्लिक डालूंगा, पकाऊंगा। कैरेट ली हुई है मैंने काटी हुई छोटे पीस में, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, और उसको अच्छे से पकाना है और उसको बाहर निकाल देना है एक प्लेट में। दूसरी तरफ मैं उसी पैन में एक स्पून बटर लूँगा, मैं उसमें 2 टेबल स्पून मैदा डालूंगा। पकाने के बाद उसमें मैं 1 गिलास दूध डालूंगा। आपको अच्छे से मिक्स करना है, लम्स ना बन जाए, बार बार घुमाना है अच्छी तरह से। चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो मैंने वेजिटेबल पकाई हुई है वो डालूंगा पहले, पास्ता पका हुआ, और अच्छे से मिक्स कर। हमारा पास्ता रेडी है, बहुत ही यम्मी है, आप भी घर पे ट्राई करना। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वीडियो देखने के बाद भी, प्लीज़ जाके करें और फॉलो करें रैबिट्स किचन इंस्टाग्राम पे। जय हिंद।